मेरा बड़ी बहन मर गई, मेरा बड़ा भाई मर गया, मेरे पिताजी पूरे हो गए, तो एक मैं हूँ और एक मेरी माँ ही है जी, घर का मकान है, तो जो मैं कमा कर लेकर जाता हूँ यहाँ से, तो अपने माँ बेटे। तो महीने में ये बताइए कितने दिन आपको काम मिलता है? नहीं जी, नहीं मिलता जी काम, नहीं मिलता जी काम। मेरा नाम श्रीचंद है, मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ, चौक पे आता हूँ, यहाँ दिहाड़ी लग गई तो लग गई, जनानी भी है, काम करती है कारखाने में, मैं फोकल पॉइंट से आता हूँ। यहाँ से तो कम से कम कितना पड़ जाएगा भाई साहब? 6-7 किलोमीटर पड़ जाता है। नहीं नहीं, साइकिल से आता हूँ, साइकिल से आता हूँ, लग गई दिहाड़ी तो लग गई, आम पब्लिक है, किसी की लगी ना लगी क्या करे बेचारे, कहाँ जाएंगे, 4 दिन जो कमाया हुआ है वो सारा एकदम निबेड़ा हो जाता है। सारिया गल्ला ठीक ने, परनाला उत्थे दा उत्थे, इसका मीन्स ये है भी वादे सारिया दे ने, कम किसे दा नहीं होना, चाहे कोई सरकार आवे, और ये है भी जगह धर्मवीर गांधी आ जाता है वो कुछ ना कुछ तो समाज सेवा करेगा, लोगों का भला करेगा, किसी का कुछ करेगा, नाइस पर्सन है, निम्रता वाला है, बेदाग है, उन्हें कोई हेरा फेरी नहीं की, अच्छा डॉक्टर है और लोगों को फ्री ऑपरेशन करता रहा, फ्री दवाइयाँ दिता रहा, और की हो गया। आम पब्लिक खड़ी हुई है, पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक यहाँ आके रो रही है, दिहाड़ी मिल नहीं रही है, 4 दिन काम कर रहा है, 10 दिन बैठ के खा रहा है, उसकी दिलाई पूजी बराबर है, कहाँ जाएंगे बीवी बच्चे उसके, किसी की कोई औकात नहीं है महाराज, ये तो सब कहने वाली बातें हैं, ये सब सरदार जी सुना रहे हैं कि इनको वोट डालो, उनको वोट डालो, अरे वोट डाल देंगे किसको डालें, हमारी सुरक्षा तो है ही नहीं किसी तरह, हम किसको वोट डालें, हमारी सुरक्षा होगी, हमारा अपना मकान होगा तब न होगा ऐसा, हमारी कमाई उतनी नहीं है, खर्चे हमारे बतेरे हैं, बच्चे को भी पढ़ाना है, उसको भी शिक्षा देना, हमने नहीं पढ़ा तो बच्चों को तो शिक्षा देना ही देना है ना। महीने में सर कभी 20 दिन मिलता है, कभी 15 दिन ही मिलता है, बाकी दिन बैठ कर खाते हैं, तो फिर वो खर्चा वो इसी में मैनेज हो जाता, कुछ नहीं होता है अपने पास, जो कमा लेता हूँ वो पीपे में अपना आटा डला देता हूँ, भी मैं घर में आऊँ चाहे ना आऊँ, लकड़ की गाड़ी भरने चल जाऊँ तो माँ घर में जाकर खाना तो खा लेगी ना। सब चीज़ ठीक है, बस सरकार को ये होना चाहिए रोजगार के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कितने दिन काम मिलता है? हम लोगों को महीने को 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन ऐसे चल जाता है, बस चल जाता है, कभी कर्जा उर्जा ले लेते हैं, कभी काम चल जाता है, तो भाई इसी तरह वो महीने के 4-5 हज़ार रुपये हो जाता है महीने का, कभी चल गया कभी नहीं चला, कोई पक्का काम वही 4-5 हज़ार रुपये बन जाता है। मोदी जी ने ऐसा है कि नोटबंदी में बहुत परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि हमारे कारोबार में इतना लॉस पहुंचा कि जिसका बस ऐसे ही हिसाब किताब चल रहा है, बाकी अपनी अपनी मर्जी है, वोट कोई भी किसको दे, हम उसको वोट के बारे में किसी को नहीं रोकते, क्योंकि ये है लोकतंत्र, आज़ादी है, और वोट हम उनको देंगे जो इंसान हमारे लिए काम करेगा। गरीब आदमी का क्या, साला मर जाएगा कीड़े मकोड़े की तरह नाली के किनारे, कल को पुलिस आएगी उठा के ले जाकर फेंक देगी, यही काम है, ये पब्लिक का और कुछ नहीं होने वाला है, और ना होने का कोई रास्ता दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ कोई राह मार्ग तो दिखे जिससे कि हौसला तो कुछ मिले मुझे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हौसला की वजह हमारा हौसला टूट रहा है, अब इस उम्र में हमारा क्या होना चाहिए आप बताइए। सरकार जब से ये तो आई तब से कोई ना कोई काम मिला, बेरोजगारी फैली है, किसकी सरकार? जिसकी भी हो, मोदी जी ने तो पूरा रोजगार है खा गए सारे, किसी को बिल्कुल खा गए सर, कोई काम नहीं, वो जो पैसे के नोटबंदी कराए उन्होंने वो तो बेहद सारे लेबर मजदूरों की कमर तोड़ दी, 5-5 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार के लिए हम लोग 5-5 दिन लाइन लगाते थे सर, इसके बाद पता चलेगा कि
आज तो पैसे हैं ही नहीं, कल मिलेंगे। हफ्ते में 2000 रुपये मिलते थे और मालक जो था वो कहता भी अब नोटबंदी यार पैसे ले जाओ, यही तो पैसे हैं, पुराने पैसे हैं, कहाँ से देंगे। बड़ी समस्याएं हुई सर। छोटे आदमी कहाँ बड़े बन पा रहे हैं, वो तो और छोटे हो जा रहे हैं। मोदी साहब कहते हैं नेट पे 25,000 डालेंगे, 2 लाख डालेंगे, 15 लाख, वो पैसे किसके खाते में आया? इतने बंदे बैठे के साथ पैसे है, वो पैसे ना डालें, मोबाइल पर नेट पर ढूंढी ना कहे ना मैं पैसे डालूंगा। हाँ जी मोदी किए थे जी, हाँ जी, हाँ जी, बस पैसे डालेंगे, ये करेंगे, नौकरी लगवाएंगे, देख लिए 5 साल में क्या किया, कुछ नहीं किया, हम लोग को बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं आया जी, एक पैसे ने किसी खाते में नहीं आया, किसी के खाते में नहीं आया। हमें इस समय मोदी से बिल्कुल ये नहीं भी हमें नफरत करते हैं, हम तो ये कहते हैं जो भी जनसुद्धा जो भी कोई भी हैगा, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे अकाली है, बिल्कुल उन्होंने जो भी काम करेगा हम उसको वोट देंगे। इस समय तो कांग्रेस बिल्कुल फर्स्ट है।